चलो आज एक टॉपिक करना फिलहाल के लिए। एक टॉपिक डालो, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन इसको बोलते हैं। नाम सुना होगा ना, यूनाइटेड नेशन कॉमन सा नाम है, लगभग सुना हुआ होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या है? तो कुछ कुछ बातें हैं जो आपको जाननी है। जैसे इस लेक्चर में पहली बात ये जानने की कोशिश करना कि यूनाइटेड नेशन है क्या। वैसे तो नाम से पता चल रहा होगा ना क्या है। अगर कोई ऐसा ही प्रश्न पूछ ले तुम्हें कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, क्या का मतलब क्या होगा, कि कोई वस्तु है, क्या है, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि ये क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, संघ। संघ मतलब ये एक प्रकार का संगठन है। तो पहला प्रश्न दिमाग में, कैसा संगठन है? तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी चर्चा करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि इस संगठन को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ये टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और तीसरा ये काम कैसे करता है। मतलब अगर इन तीन प्रश्नों के उत्तर निकल गए तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बड़ा पार्ट कवर हो जाएगा। तीन बातें, संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, इसे क्यों बनाया गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये कैसे काम करता है। स्टोरी थोड़ा सा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब आप संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में सबसे पहले हिस्ट्री का पोर्शन कवर हो जाएगा, इतिहास वाला। इतिहास का सेक्शन कवर हो जाए तो उसके बाद थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सिस्टम, थोड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास निकल के आएंगी। जब कहानी ये होती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, तो थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा, और ये कहानी लगभग 1914 के आसपास से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 1914 से पहले पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर साम्राज्यवाद का युग चल रहा था। साम्राज्यवाद के युग का मतलब क्या होता है, हर एक शक्तिशाली देश छोटे छोटे देशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। साम्राज्यवाद का मतलब जहां एक शक्तिशाली ताकत अन्य देशों पर अपना कब्जा बना करके रखे। 1914 के आसपास में कुछ बातें आपको जाननी है। यूरोप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, जो देश हमारे पास आज है ना वैसे देश नहीं होते थे 1914 के आसपास में। 1914 में देशों का जो मैप है या उनका जो साम्राज्य है वो बहुत विस्तृत था। 1914 ईस्वी के आसपास में यूरोप में एक देश है जर्मनी, सबने नाम सुना है। तो यहाँ पर एक देश होता था, इसको उस समय जर्मन एम्पायर कहते थे, क्योंकि उस समय राजतंत्र भी हावी था बहुत सारे देशों में, लोकतंत्र उस स्थिति में नहीं था जैसा कि आज है। तो यूरोप का एक देश था, उसका नाम होता था जर्मन एम्पायर। ठीक है, जर्मन एम्पायर के बगल में एक और बड़ा सा देश था, और इस देश का नाम ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ये इसका नाम हुआ करता था। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, यूरोप की। और उत्तर किस बात का निकाल रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यूरोप में एक बड़ा साम्राज्य था, नाम था जर्मन एम्पायर, उसके ठीक बगल में एक और साम्राज्य था और उसका नाम होता था ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। इसके नीचे एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसको नाम दिया जाता था ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर कुछ नहीं है, आज का जो तुर्की देश है ना, जहाँ पर आज तुर्की है, वहीं पर पहले ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। और नीचे एक और देश होता था, इस देश का नाम था इटली। ठीक है, कहानी 1914 के आसपास की है। 1914 के आसपास जब पूरे विश्व में युग कौन सा चल रहा था, तो फिर आंसर होगा साम्राज्यवाद का। साम्राज्यवाद, ये शब्द का मतलब क्या हुआ, साम्राज्यवाद एक ऐसी पॉलिसी जिसके तहत हर एक देश दूसरे देश को अपने अंडर रखना चाह रहा था, उस पर कब्जा करना चाह रहा था। तो साम्राज्यवाद के युग में यूरोप के इन देशों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहानी की शुरुआत यहीं से होगी। एक जर्मन एम्पायर, एक ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, एक ऑटोमन साम्राज्य, और नीचे कौन सा देश था, इटली। और कुछ देश थे जो बड़े साम्राज्यवादी देश माने जाते हैं। बड़े साम्राज्यवादी देशों में इस दौर में विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश कौन होगा, ब्रिटेन और फ्रांस। ये यूरोप की वो दो शक्तियां थी जो साम्राज्यवाद के सेक्शन में बहुत ऊपर थी। इन्होंने लगभग दुनिया के हर एक देश पर कब्जा किया हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा थोड़ा बहुत ही ध्यान इस पर भी देना, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जिस दिन आजाद हुआ उस दिन से लेकर के ही साम्राज्यवाद की पॉलिसी यूएसए की मुख्य पॉलिसी में रही नहीं। यूएसए जिस प्रकार की विचारधारा का देश है ना, उसे बोलते हैं पूंजीवादी देश। तो ये एक प्रकार का पूंजीवादी देश होता था। और पूंजीवाद किसे कहते हैं, तो पूंजीवाद का सरल भाषा में मतलब है एक ऐसा देश जो सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहता है ना, उसे कोई मतलब नहीं गरीबी अमीरी, कुछ मतलब नहीं, कंपटीशन वाला देश। तो पूंजीवादी साम्राज्य एक होता था यूएसए,
इस समय के साम्राज्यवादी देशों में दो देशों का नाम चलता था, एक का नाम था ब्रिटेन और एक का नाम था फ्रांस। एक और बड़ा देश था यूएसएसआर, जिसे आज सोवियत संघ, उस समय रूस कहते थे, अब तो ये टूट गया। तो एक देश था यूएसएसआर जो साम्यवादी हुआ करता था, समाजवाद की प्रवृत्ति वहां पर हावी हुआ करती थी। तो एक बड़ा देश ये भी था, दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश कौन है आदमी? यूएसएसआर। कहानी की शुरुआत कहां से हुई? दौर साम्राज्यवाद का चल रहा था और साम्राज्यवाद के इस दौर के समय 1914 में एक छोटी सी घटना हुई। घटना क्या थी? यहां ऑस्ट्रिया का जो एक राजकुमार था ना, आर्चड्यूक फर्नांडिस, एक राजकुमार था ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्चड्यूक फर्नांडिस सर्बिया घूमने गया और सर्बिया में किसी ने उसकी हत्या कर दी। जैसे ही सर्बिया में हत्या हुई आर्चड्यूक फर्नांडिस की, वैसे ही ऑस्ट्रिया वालों ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। कहानी कौन से साल की है? 1914 की। 1914 में जब ऑस्ट्रिया का राजकुमार सर्बिया घूमने गया तो सर्बिया में आर्चड्यूक फर्नांडिस की हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने जैसे ही देखा हमारे राजकुमार की हत्या हो गई, उन्होंने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। सर्बिया ने अपनी मदद के लिए यूएसएसआर को बुलाया और यूएसएसआर ने सर्बिया की मदद करते हुए ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई किस किस की थी? ऑस्ट्रिया और सर्बिया की। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की इस लड़ाई में बीच में कौन आया? यूएसएसआर आ गया। यूएसएसआर ने जैसे ही आक्रमण किया तो वैसे ही जब दौर चल रहा था साम्राज्यवाद का, दो मिनट के लिए समझना, इतनी कहानी समझ में आ गई ना, आक्रमण किया था और आर्चड्यूक फर्नांडिस की डेथ हो गई थी। जब ये सारी कहानी चल रही थी, जब साम्राज्यवाद का युग चल रहा था, तो साम्राज्यवाद में जो बड़े राष्ट्र थे जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे राष्ट्रों से जीत पाना छोटे देशों के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने दुनिया भर में अधिकांश देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था ना, अपने उनके, जैसे भारत भी था, तो भारत पर किसका कब्जा था? ब्रिटेन। तो ना चाहते हुए भी भारत को किसका साथ देना पड़ेगा? ब्रिटेन का साथ। तो इन साम्राज्यवादी देशों से कैसे हम लोग निपटे, इसके लिए जो छोटे छोटे देश होते थे और वो देश जो साम्राज्यवादी नहीं थे, उन देशों ने आपस में कुछ संधियां करी भी थी। जब दो देश आपस में संधि करते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी का एक शब्द चलता है, उसको बोलते हैं ट्रीटी। ट्रीटी मतलब क्या हुआ? संधि। जब दो देश आपस में कोई संधि कर ले तो उसको कहते हैं ट्रीटी। और जब दो से ज्यादा देश आपस में संधि करके अपना एक गुट बना दे तो उसे बोलते हैं अलायंस। एक शब्द चलता है अंग्रेजी में अलायंस। तो अलायंस का मतलब एक हिसाब से क्या होगा? एक ऐसी संधि जो गुटों का निर्माण कर रही है। और 1882 ईस्वी में यूरोप के तीन देशों ने आपस में एक अलायंस बनाया हुआ था, उसको ट्रिपल अलायंस कहते हैं। ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस वाले देश थे कौन? पहला देश जर्मनी, दूसरा देश ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और तीसरा इटली। इन तीनों ने आपस में एक अलायंस बना रखा था, गुट बना रखा था। सरल भाषा में समझे तो इस अलायंस का मेन जो पॉइंट होगा वो क्या, कि अगर हम तीनों में किसी पर भी कोई आक्रमण करता है तो हम तीनों एक साथ रहेंगे। ट्रिपल अलायंस ऑलरेडी अस्तित्व में था और ट्रिपल अलायंस के अस्तित्व में होते समय जब ऑस्ट्रिया का राजकुमार गया सर्बिया, सर्बिया में उसकी हत्या हो गई, तो ऑस्ट्रिया ने जैसे ही सर्बिया पर आक्रमण किया तो सर्बिया की मदद करने के लिए यूएसएसआर की एंट्री हुई। यूएसएसआर ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया और क्योंकि ट्रिपल अलायंस ऑलरेडी साइन था इसलिए जर्मनी को इस युद्ध में एंटर करना पड़ा। लड़ाई ऑस्ट्रिया और सर्बिया की थी, यूएसएसआर सर्बिया की मदद करने आया और क्योंकि ट्रिपल अलायंस साइन हो रखा था इसलिए ट्रिपल अलायंस के साइन होने की वजह से जर्मनी को इस युद्ध में एंटर करना पड़ा। और जैसे ही जर्मनी की इस युद्ध में एंट्री हुई तो आप यह मान के चलो 1914 में पूरा विश्व दो गुटों में डिवाइड हो गया, दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। पहले गुट में वो सब लोग थे जो यूएसएसआर का समर्थन कर रहे थे 1914 में। 1914 में वो सारे देश जो यूएसएसआर का समर्थन करते थे उन सभी राष्ट्रों को एलाइड नेशन कहा गया। उनके लिए क्या नाम यूज करते? एलाइड नेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जाते जाते ये सब मित्र राष्ट्र बन जाते हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको बोलते थे एलाइड नेशन। एलाइड नेशन में कौन कौन से देश शामिल थे? तो सबसे पहला आपको दिख रहा है यूएसएसआर। साम्राज्यवादी देशों के सबसे बड़े दोस्त दो देश ब्रिटेन और फ्रांस, वो भी एलाइड्स के साथ आ गए। तो यूएसएसआर के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों भी इसमें सम्मिलित हो गए। अमेरिका को किसी से कोई मतलब नहीं है, परंतु क्योंकि वो पूंजीवादी राष्ट्र है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रथम विश्व युद्ध में जहां अमेरिका को ये लगा कि मेरा फायदा तभी है जब मैं एलाइट्स का साथ दूंगा, तो एक टाइम पीरियड के बाद 1917 के बाद यूएसए भी एलाइट्स के साथ आ गया। ठीक है, ये एक तरफ हो गए। अब ब्रिटेन के अंडर में जितने देश आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भारत, तो भारत ने अगर प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया होगा तो किसकी तरफ से लड़ेगा? भारत एलाइट्स की तरफ से लड़ेगा।
एलाइड नेशन की तरफ से इसको युद्ध करना पड़ेगा। और दूसरा गुट ये था जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का, इटली का, ओटोमन एम्पायर का, ये जो देश थे जिन्होंने ट्रिपल अलायंस को साइन किया हुआ था, इन सभी देशों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय नाम दिया जाता है सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर, वापिस कहानी को कनेक्ट करते हैं। ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार गया था सर्बिया, सर्बिया में उसकी हत्या हो गई। सर्बिया में उसकी हत्या होने की वजह से आक्रमण, जब लड़ाइयों का दौर शुरू हुआ तो यूएसएसआर ने किसका साथ दिया? सर्बिया का। और जर्मनी लड़ाई में कूद गया। जर्मनी के लड़ाई में कूदते ही पूरा विश्व जो है वो दो हिस्सों में विभाजित हो गया। एक प्रकार के देशों को एलाइड्स कहा गया, एलाइड नेशन, और दूसरे प्रकार के जो देश थे उनको क्या कहा गया? सेंट्रल पावर। तो सेंट्रल पावर वाले देशों में सबसे स्ट्रांग देश कौन सा है? जर्मनी। सबसे स्ट्रांग देश कौन सा था? जर्मनी। दूसरा, लड़ाई की शुरुआत ही ऑस्ट्रिया से हुई थी, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो एम्पायर है वो भी सेंट्रल पावर में रहेगा। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, बहुत ध्यान से समझना, ट्रिपल अलायंस को साइन करने वाले देशों में एक देश कौन भी था? इटली, जिसने अलायंस साइन किया था। लेकिन जब लड़ाई स्टार्ट हुई, जिस लड़ाई को हम यहां पर पढ़ रहे हैं, इसी को विश्व युद्ध कहते हैं, वर्ल्ड वॉर कहते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में ट्रिपल अलायंस को साइन करने के बावजूद इटली ने सेंट्रल पावर का साथ नहीं दिया। इटली, जबकि उसने ट्रिपल अलायंस साइन किया था तो उसको किसका साथ देना चाहिए था? इनका। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय वो कौन सा देश था जिसने ट्रिपल अलायंस का उल्लंघन करते हुए इधर एलाइड नेशंस का साथ दिया? वो कौन था? इटली। इटली इस युद्ध में एलाइड्स की तरफ चले गया, और इटली के स्थान पर सेंट्रल पावर का साथ देने के लिए कौन सा साम्राज्य आ गया? ऑटोमन साम्राज्य आ गया। तो ये जो ऑटोमन साम्राज्य है, जो जर्मनी है और जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, इन सभी राष्ट्रों का एक गुट बना, उसे सेंट्रल पावर नाम दिया गया। दूसरे राष्ट्रों का जो एक गुट बना, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, इनके संगठन को क्या नाम दिया गया? एलाइड नेशन। एलाइड नेशन में इन चार देशों के अलावा जिस पांचवें देश का नाम आपको याद रखना है और ध्यान में रखना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट देश है। उस देश का नाम क्या है? जापान है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको छोड़ के उधर चले गया। ठीक है, तो वो किसी लेक्चर में जब इंटरनेशनल कोई संबंध वाला या विश्व युद्ध के कोई लेक्चर होंगे, आज तो मेनली फोकस संयुक्त राष्ट्र पर करते हैं, तो ये भी अपने मन में एक प्रश्न रखना या ढूंढने की कोशिश करना, ऐसा क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में एलाइड की तरफ से लड़ने वाला जापान द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की तरफ चले गया? कुछ तो हुआ होगा ना, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल कहानी को समझना। 1914 पूरे वैश्विक स्तर पर सबसे खतरनाक युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रथम विश्व युद्ध में विश्व की शक्तियां दो हिस्सों में विभाजित हो गई, एक तरफ एलाइड्स हो गए, एक तरफ सेंट्रल पावर हो गई, और इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलने लगा। सरल भाषा में अगर हम एक प्रश्न का उत्तर निकालें, इन सारे देशों में, तुम थोड़ा सा ऐसे तुक्का मारने की कोशिश करो, इन सारे देशों में तुम्हें वो देश कौन सा लग रहा है जिसको इस लड़ाई से कोई खास मतलब है नहीं? इन देशों में से कि ताकतवर देश भी होना चाहिए, कोई ताकतवर देश हो और उसे इन से कोई ज्यादा मतलब ना हो, यूएसए ना, अमेरिका, इसका कोई मतलब है नहीं। ये लोग तो आपस में ट्रीटी साइन किए हुए थे, ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसएसआर था, इनका भी अपना एक अलायंस बना हुआ था, अमेरिका को कोई मतलब है नहीं, वो इस युद्ध में हम ये कह सकते हैं कि अपने फायदे के लिए एंट्री किया हुआ है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, अमेरिका का एक राष्ट्रपति था, और अमेरिका के उस राष्ट्रपति का नाम था वुड्रो विल्सन। ये नाम आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकन राष्ट्रपति कौन था? वुड्रो विल्सन। और ये जो वुड्रो विल्सन था अमेरिकन राष्ट्रपति, इसने प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होते ही पूरे विश्व के लोगों को या पूरे विश्व के देशों को एक संदेश दिया, और संदेश किसका था? संदेश शांति का था। शांति का संदेश देने की आवश्यकता पड़ी क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध बहुत विध्वंसकारी था, करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इस भयावह स्थिति को देखते हुए वुड्रो विल्सन ने वैश्विक स्तर पर सभी देशों को कौन सा संदेश दिया? शांति। उन्होंने कहा क्या फायदा लड़ाई झगड़ा करके, ज्यादा बेटर है अगर लड़ाई झगड़ा करने से बढ़िया है कि हम लोग सब शांति बनाए रखें। ये जमाना था नहीं शांति वाला, जो दौर चल रहा था, मैंने शुरू में ही कहा दौर किसका था? साम्राज्यवाद। और साम्राज्यवाद और शांति एक दूसरे के विपरीत होंगे, शांति से तो साम्राज्यवाद कायम हो नहीं सकता है। जमाना साम्राज्यवाद का था, साम्राज्यवाद के इस युग में एक व्यक्ति आकर की पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है, वैश्विक स्तर का वो पहला नेता जिसने इंटरनेशनल लेवल पर शांति के प्रयास सबसे पहले स्थापित करे थे, उसका नाम क्या था? वुड्रो विल्सन। इसने सारी दुनिया को कहा शांति, इसने सारी दुनिया को कहा कि शस्त्रों के पीछे क्यों भाग रहे हो? हर देश का इस समय साम्राज्यवाद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा? अस्त्र शस्त्र, हथियार।
तो हर देश इस समय क्या सोचता था, मेरे पास हथियार हो, एक दौर चल रहा था औजार हथियार को इकट्ठा करने का दौर। उस दौर में वुड्रो विल्सन ने वैश्विक स्तर पर सभी लोगों को कहा कि हमें निशस्त्रीकरण को अपनाना चाहिए, शस्त्रों के पीछे ना भागो। तो इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर वो पहला नेता जो निशस्त्रीकरण की बात करता है या फिर जो शांति की बात करता है, उसका नाम क्या था? अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के प्रयासों से प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद पहली बार इस दुनिया में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, आपको यह बात पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीता कौन? एलाइड्स जीत गए, एलाइड नेशन जीत गए, वो शक्तिशाली थे, जीतना भी था। ये देखो कोई बड़ा नाम उनमें है नहीं, जर्मनी को आप हटा दो तो कोई बड़ा राष्ट्र है नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध में एलाइड्स जीत गए, एलाइड्स के जीतने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के प्रयासों से पहली बार दुनिया में एक शांति सम्मेलन हुआ। पहली बार दुनिया में होने वाले इस शांति सम्मेलन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेरिस शांति सम्मेलन। और अगर कभी परीक्षा में प्रश्न आए पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ कब था, तो आंसर देना 1919 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होने के बाद नहीं चाह रहे थे देश, नुकसान तो सबका ही हुआ होगा ना, एलाइट्स का भी हुआ, सेंट्रल पावर का भी हुआ, सैनिक तो सबके ही मरेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद वैश्विक स्तर पर सबसे पहली बार शांति कायम करने के उद्देश्य से फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेरिस शांति सम्मेलन 1919। पेरिस के इस शांति सम्मेलन में भविष्य में दुनिया दो गुटों में बंटी हुई है ना, तुम अपने आप को मान लो एलाइट्स, तुम जीते हुए लोग हो और तुम हो सेंट्रल पावर, तो इधर सेंट्रल पावर है, इधर एलाइट्स दुश्मन है। अब हम सब लोग एक ही जगह बैठ रहे हैं पेरिस में। पेरिस के इस शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के प्रयासों से यह निर्णय लिया गया कि आगे हम लड़ाई नहीं करेंगे, इन फ्यूचर वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, हम आगे एक दूसरे से बिल्कुल नहीं लड़ाई करने वाले, ऐसा कुछ बातें हुई। तो अब जो एलाइट्स थे, एलाइट्स मतलब जो बाद में मित्र राष्ट्र बने, ये बड़े देश जो थे ब्रिटेन फ्रांस, इन लोगों ने कहा ठीक है हमें ये बात मंजूर है कि हम आगे से युद्ध नहीं करेंगे, वैश्विक स्तर पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हम शांति का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है। मित्र राष्ट्रों ने, एलाइड नेशन ने कहा इसके लिए हमारी एक शर्त है, और शर्त क्या थी? उन्होंने कहा जो सेंट्रल पावर्स है ना, ये जो देश है, हम इन देशों के साथ एक एक संधि करेंगे, ट्रीटी करेंगे, और इन देशों के साथ हमारी जो संधियां होंगी, हमारी जो शर्तें होंगी, अगर ये देश उन शर्तों को मानने के लिए राजी है तो हम भी ये बात मानने के लिए राजी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शांति बनाएंगे। बात किसकी मानी जाएगी? जो जीते हैं ना, जीता हुआ नेशन एलाइट्स है, और इन्होंने कह दिया कि ठीक है हम वैश्विक स्तर पर शांति बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसके लिए हमारी एक कंडीशन है, और कंडीशन ये कि हम सेंट्रल पावर वाले देशों के साथ एक एक संधि करेंगे, और अगर वो संधि मानने को तैयार है तो फिर हमें क्या दिक्कत है। तो इस पेरिस शांति सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि सेंट्रल पावर के इन देशों के साथ एक एक संधि होगी। सेंट्रल पावर के इन सभी देशों में जो सबसे स्ट्रांग देश था वो कौन था? जर्मनी। तो एलाइड नेशंस के द्वारा जर्मनी के साथ एक संधि करी गई, और कुछ हद तक जो हम प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं क्यों बना संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की इस कहानी में कुछ हद तक सबसे पहला जो पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो ये संधि ही थी, जिस संधि की वजह से आगे द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्ट हुआ या उद्भव हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद पेरिस के इस शांति सम्मेलन के तुरंत बाद वैश्विक स्तर पर एलाइड नेशंस के द्वारा जर्मनी के साथ जो संधि करी गई थी, उस संधि का नाम होता है वर्साई की संधि, और यह आपको याद रखना है। वर्साई की संधि कब हुई? तब आंसर होगा 1919 में हुई, 1919 ईस्वी के अंदर एलाइड नेशंस के द्वारा जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद जो हमारे एलाइड नेशंस थे उन्होंने जर्मनी के साथ एक संधि करी, और जर्मनी के साथ होने वाली इस संधि का नाम क्या था? उसको बोलते हैं वर्साई की संधि। वर्साई की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। दो पॉइंट समझना, क्या था इस वर्साई की संधि के मेन पॉइंट्स? ये जो वर्साई की संधि थी किसके साथ हुई है? ये जर्मनी के साथ। कौन कर रहा है? एलाइड नेशन, जो जीते हुए हैं वो कर रहे हैं। तो जीते हुए राष्ट्रों ने, एलाइड नेशंस ने वर्साई की संधि में जर्मनी पर, जर्मनी के लिए कुछ शर्तें रख दी, कुछ नियम बना दिए। क्या क्या थे नियम? पहला नियम, एक नदी है जो जर्मनी में प्रवाहित होती है, फेमस नदी है राइन नदी। उस राइन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, राइन क्षेत्र, राइन का एरिया जर्मनी का ये एक क्षेत्र था। एलाइड नेशन ने पहला नियम क्या बनाया कि जो जर्मनी का राइन प्रदेश है वहां पर आज के बाद जर्मनी अपनी सेना नहीं रखेगा। जर्मनी को राइन प्रदेश से अपनी सेना हटानी पड़ेगी, और जर्मनी के इस राइन प्रदेश में एलाइड नेशंस की सेना रहेगी। किसी देश के लिए ये थोड़ा सा बेइज्जती वाली बात है, जैसे मान लो भारत के साथ ये संधि हो जाए,
कि कश्मीर से भारत अपनी सेना हटा दे और वहां पे अमेरिका की सेना, ब्रिटेन की सेना, फ्रांस की सेना। अगर हम इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो इसमें हमारी ही तो हार है, और क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी जीता एलाइट्स था, तो उनकी बातों को माना जाना था। तो वर्साई की संधि के परिणाम क्या निकले, रिजल्ट क्या निकला? वर्साई की संधि में जर्मनी के एक राष्ट्र राइन प्रदेश से जर्मनी को अपनी सेना हटानी पड़ी, और अगले 15 साल के लिए यह नियम बन गया, 1919 में यह नियम बना दिया गया कि अगले 15 साल तक राइन प्रदेश में किसकी सेना रहेगी, मित्र राष्ट्रों की सेना रहेगी। तो जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए, ऊपर से यह एक नियम बन गया। और मेन पॉइंट सुनना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली इस वर्साई की संधि में दूसरा नियम यह बना कि जर्मनी के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को जर्मनी को छोड़ना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कि जो पूर्व का जर्मन का ये वाला क्षेत्र है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को जर्मनी को छोड़ना पड़ेगा, और ये पूर्वी क्षेत्र जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, और जर्मनी के पूर्वी क्षेत्र पर स्वतंत्र होने वाले इस राष्ट्र का नाम है पोलैंड। एक नया देश बन गया, दुनिया में ये देश ही नहीं था। जर्मनी के बहुत बड़े टुकड़े को जर्मनी से छीन लिया गया और उसे पोलैंड नाम दे दिया गया, और एक नए राष्ट्र की उत्पत्ति हुई वैश्विक स्तर पर, उसका नाम क्या था? पोलैंड। पोलैंड नाम का ये जो देश है ना, ये वास्तव में किसका पार्ट था? जर्मन एम्पायर का पार्ट था, ये जर्मनी का हिस्सा था, और एलाइट्स ने क्या कर दिया, इसको छीन लिया, अलग देश बना दिया। क्या इस वर्साई की संधि में जर्मनी का एक भी फायदा दिख रहा है तुम्हें? एक भी फायदा नहीं। जर्मनी का तो नुकसान ही नुकसान हो गया। राइन प्रदेश में आपकी संप्रभुता खत्म हो गई, सोवरेनिटी खत्म हो गई, और आपके एक बहुत बड़े एरिया को एक नया राष्ट्र बना दिया गया, उसको नाम दिया गया पोलैंड। वर्साई की इस संधि को जर्मनी के लिए जर्मनी की अपमानजनक संधि माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि इसमें जर्मनी का अपमान हुआ, इंसल्ट हुआ। अब क्या करते हैं, एलाइट्स जीते हुए थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इन सभी शर्तों को, वर्साई संधि की इन सभी शर्तों को जर्मनी ने स्वीकार कर दिया। वो नेता कौन था जिसने वैश्विक स्तर पर निशस्त्रीकरण और शांति की बात करी थी? वुड्रो विल्सन ने एक बात और कह दी, ठीक है आप पांचों के पांचों देशों के साथ जो संधि करना चाहते हैं वो करो, लेकिन वुड्रो विल्सन का एक और काम, उसने कहा इन फ्यूचर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और वैश्विक स्तर पर हम एक संगठन बना देते हैं, हम एक संघ बना देते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने का प्रयास करेगा, और उस संगठन को नाम दिया गया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला संगठन बना, उसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। कब स्थापित हुआ? 1919। राष्ट्र संघ हमारा टॉपिक है नहीं, हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई जब ऑलरेडी एक संघ बना हुआ था? इंटरनेशनल लेवल पर शांति व्यवस्था स्थापित करने तथा शांति व्यवस्था को स्थापित करने और इसके साथ ही साथ निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए जब ऑलरेडी एक संघ था राष्ट्र संघ, तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बना? अब दूसरा प्रश्न ये है, सरल से तो आंसर निकाल सकते हो ना, सर ये फेल हुआ होगा तभी तो बना ये, जब ये फेल हुआ होगा नहीं तो हमारे पास तो संगठन ऑलरेडी था, तब ये फेल क्यों हुआ? इतनी कहानी में आपके पास जो पॉइंट आए वो दिमाग में बैठे। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों करी गई, उस तक पहुंचने के लिए हमने कहानी की शुरुआत करी प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध के समय ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर में ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्चड्यूक फर्नांडिस जब सर्बिया गया तो उसकी हत्या हो गई, उसकी हत्या से विवाद उपजा, यूएसएसआर ने आक्रमण किया, यहां जर्मनी इसके साथ में आ गया, पूरा विश्व दो हिस्सों में बट गया, एलाइट्स और सेंट्रल पावर। एलाइट युद्ध जीत गए, एलाइट्स के युद्ध जीतने के बाद जब वो युद्ध जीत गए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वुड्रो विल्सन ने शांति का प्रयास स्थापित किया। अमेरिकन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया गया, और उस संगठन का नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ उस समय वो संगठन हुआ करता था जो इंटरनेशनल लेवल पर इन सारी चीजों की कोशिश कर रहा था, शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। तो बेसिक बात है, इसमें कुछ खतरनाक बात तो है नहीं, कहां अब चलो जो नियम बन गए बन गए ना, अब जो जर्मनी के लिए नियम बन गए वर्साई संधि के बाद वो बन गए, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो। कहानी में ट्विस्ट कब आया? कहानी में ट्विस्ट आया 1934 में। 1934 में जर्मन जो साम्राज्य था, जर्मन वो साम्राज्य जिसके राइन प्रदेश पर निशस्त्रीकरण कर दिया गया, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पोलैंड उससे छीन लिया गया, उसी जर्मनी का प्रशासक 1934 में बन गया हिटलर। नाम सुने ना, जर्मनी का प्रशासक बना हिटलर, राजा बन गया वहां का सर्वे सर्वा हिटलर। जैसे ही 1934 में जर्मनी की गद्दी पर बैठा, जर्मनी की गद्दी पर जिस दिन से यह बैठा उसी दिन से यह वर्साई संधि की धज्जियां उड़ाना शुरू करने लगा। वर्साई संधि में क्या बोला,
कि जर्मनी निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देगा, जर्मनी के आपने इतने प्रदेश छीन लिए, और वर्सायी संधि का एक सबसे बड़ा अपमान जो जर्मनी के लिए था वो क्या था कि उससे निकल करके एक देश उसकी जमीन को छीन करके एक नया राष्ट्र बन गया पोलैंड। तो हिटलर जब जर्मनी का प्रशासक बना, जर्मनी का प्रशासक बनते ही हिटलर ने जो सबसे पहला बड़ा काम किया वो ये कि इसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसी का तो जमीन का टुकड़ा था ना। जर्मनी के लिहाज से सोचोगे तो जर्मनी ठीक है अपनी जगह पर। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1939 1 सितंबर को, और 1 सितंबर 1939 को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो जो एलाइड नेशंस थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उन मित्र राष्ट्रों ने कहा कि वर्सायी संधि का उल्लंघन कर दिया है। किसने? जर्मनी। वर्सायी की संधि हुई किसके साथ थी? जर्मनी। उन्होंने कहा जर्मनी ने वर्सायी की संधि का उल्लंघन कर दिया है और युद्ध शुरू हो गया, और इस युद्ध को नाम क्या देते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसे बोलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। ये लड़ाई झगड़ों की कहानी में दूसरी बार फिर से वही कहानी होगी। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 में, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, फिर से ये जो राष्ट्र है ना, ये अलग अलग गुटों में बंट गए। गुटबाजी कह सकते हो तुम ना। इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, इसमें एक शब्द बड़ा खतरनाक निकल रहा है, गुटबाजी। जो एलाइट्स थे वो मित्र राष्ट्र बन गए, और दूसरी तरफ जितने भी राष्ट्र थे उनको नाम दिया गया धुरी राष्ट्र। तो एक तरफ धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्रों में बड़े बड़े नाम थे, सबसे बड़ा नाम ब्रिटेन, एक बड़ा नाम फ्रांस, साम्राज्यवादी देश है तो एलाइट्स के साथ ही रहेंगे, फ्रांस ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा मित्र राष्ट्रों में मजेदार बात यह हुई कि अमेरिका भी आ गया, यूएसए। ठीक है, यूएसएसआर को द्वितीय विश्व युद्ध में किसी से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद रूस में क्रांति हो चुकी थी, रूस समाजवाद की तरफ आगे बढ़ चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद यूएसएसआर को किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की एक दूसरी बड़ी गलती, ये नाम तो खूब सुना होगा ना आपने, कोई व्यक्ति जब अपनी मनमानी खूब चलाते तब भी हम उसे अमूमन हिटलर कह देते हैं, तानाशाही वाला शासन। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर को किसी से कोई मतलब नहीं था, और हिटलर ने, जर्मनी ने यूएसएसआर पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी के यूएसएसआर पर आक्रमण करते ही वो भी यहां आ गया। तो यूएसएसआर मित्र राष्ट्रों की साइड, यूएसए मित्र राष्ट्रों की साइड, दुनिया की सबसे दो बड़ी शक्तियों का नाम यही है, यूएसए और यूएसएसआर, और उस जमाने में ब्रिटेन भी कम जम नहीं था और फ्रांस भी नहीं था, तो ये चारों एक तरफ हो गए। धुरी राष्ट्रों का सबसे इंपॉर्टेंट देश कौन सा होगा? जर्मनी। जर्मनी के अलावा इटली, ये इस बार धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ा, पिछली बार इधर आ गया था। और मजेदार बात यह थी, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ देने वाला देश जापान इस बार कहां चले गया? धुरी राष्ट्रों की तरफ। चलो ये कहानी पे किसी और दिन आएंगे, बस मोटा मोटा समझो। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से हमने एक संगठन ऑलरेडी बनाया हुआ था, उस संगठन का नाम लीग ऑफ नेशन होता था, राष्ट्रसंघ होता था। राष्ट्रसंघ के अस्तित्व में होने के बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो इससे बड़ा फेलियर नहीं होगा ना राष्ट्रसंघ के लिए। एक संगठन बनाया ही इसलिए गया था ताकि दुनिया में लड़ाई ना हो। उसके अस्तित्व में रहते रहते लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो लीग ऑफ नेशन विफल हो गया। अब लड़ाई चली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कहीं बड़ा युद्ध था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, उनका समुचित प्रयोग करते हुए और विध्वंसक संसाधन हमारे पास बन चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लड़ाई थी ना, उसमें बारूद का प्रयोग, बंदूकों का प्रयोग, तोप का प्रयोग कम होता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते दुनिया ने इतना विकास कर दिया था कि अब बम भी परमाणु वाले बनने लगे थे, एटम बम बन गए। तो आप सोचो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक बम फेंका किसी देश के ऊपर, जैसे किस देश पे बम फेंका, नॉर्मल बम है, मतलब मुर्गा छाप, तो ऐसे फेंक दिया किसी देश पे, ब्लास्ट हुआ, थोड़ा सा फूटा, हल्का फुल्का नुकसान। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सीधा परमाणु बम फेंक रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से कहीं ज्यादा विध्वंसक हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के समय फिर से कहानी वहीं पर स्टॉप होगी यूएसए। मुझे ऐसा लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध आते आते अमेरिका वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी ताकत था नहीं, और मेरा मानना यह है कि अमेरिका को लीडर बनना था। अमेरिका लीडर कैसे बने? शायद मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, अमेरिका ने लीडर बनने के लिए ये सारी की सारी कहानियां करी। अमेरिका से कई बड़ी शक्तियां ब्रिटेन और फ्रांस हुआ करती थी। ब्रिटेन और फ्रांस को अमेरिका नीचे कैसे दबाए? अमेरिका ये बात बहुत बढ़िया से जानता है कि साम्राज्यवाद, इसमें वो ब्रिटेन और फ्रांस को नहीं पराजित कर सकता था। तो साम्राज्यवाद इस क्षेत्र में एंटर करेगा तो इसमें तो इससे ऊपर ये दोनों है ही हैं, कोई नया मुद्दा उठाना पड़ेगा। और अमेरिका के पास वो नया मुद्दा क्या था? शांति। शांति एक मुद्दा था जिसकी ये लोग बात ही नहीं करते थे।
और सबसे पहले उसकी बात कौन कर रहा था? अमेरिका। तो जब बात शांति की होगी तो सबसे ऊपर किस देश का नाम आएगा? यूएसए। तो अमेरिका का राष्ट्रपति द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हुआ। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुड्रो विल्सन। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकन राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। वैश्विक स्तर में जब बड़े नेताओं का नाम आता है तो वैश्विक स्तर में जिन बड़े नेताओं का हम उल्लेख करते हैं उनमें सबसे बड़ा नेता फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। कुछ रिकॉर्ड है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नाम पर, जैसे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वैश्विक स्तर का वो सबसे बड़ा नेता है जो अमेरिका का राष्ट्रपति चार बार बना। और चार बार का मतलब होता है कई सालों तक ना, हारा ही नहीं भाई। सोचो जरा, पहली बार चुनाव लड़ा जीत गया, दूसरी बार चुनाव लड़ा फिर जीत गया, तीसरी बार चुनाव लड़ा फिर जीत गया, चौथी बार चुनाव लड़ा फिर जीत गया, बाकी कोई नेता जीत ही नहीं पाता था। ए भाई, जब पांचवी बार चुनाव लड़ता तो शायद जीत जाता, लेकिन इसके पांचवी बार चुनाव लड़ने से पहले ही अमेरिका के लोगों ने अपने संविधान में संशोधन करवा दिया और उन्होंने कहा आज के बाद अमेरिका में कोई आदमी दो ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो अमेरिका का राष्ट्र ये चार बार बना, सबसे ज्यादा बार अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। बहुत बड़ा नाम है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी समय इस फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और वुड्रो विल्सन के बाद वो वैश्विक नेता जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था के प्रयास फिर से स्थापित करे उसका नाम क्या था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1941 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने पूरे विश्व के देशों, पूरे विश्व में जितने भी देश थे सभी देशों से ये आग्रह किया कि अब हमें एक स्ट्रांग, एक मजबूत संघ बना देना चाहिए। और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा उस संघ का नाम क्या होना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन होना चाहिए। इसका मतलब वो कौन व्यक्ति है जिसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ नाम का शब्द दिया? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अगर कहीं प्रश्न दिखे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का जन्मदाता कौन है, तो आंसर होगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। एक पॉइंट पे लिख देना, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का जन्मदाता माना जाता है। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर वो कौन सा नेता है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ नाम का यह शब्द दिया? तो उसका नाम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कहां का राष्ट्रपति था? हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति। बात समझ रहे हो अमेरिका की? अमेरिका शांति की बातें कर रहा है, ब्रिटेन करता नहीं है, फ्रांस करता नहीं है। जब बात शांति की होगी शुरुआत किसने करी? यूएसए। किसकी सुनेंगे सब लोग? अमेरिका की सुनना पड़ेगा ना। तो अब लीडर बन रहा है अमेरिका धीरे धीरे शांति के प्रयासों के माध्यम से। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1941 से ये कहानी स्टार्ट कर दी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होना चाहिए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए कि ना बनाए, क्योंकि बात 1941 की और 41 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ नहीं, एक तरफ युद्ध भी चल रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ही क्योंकि अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ था तो उसने मित्र राष्ट्रों के साथ मीटिंग करना स्टार्ट किया। अब सम्मेलन होने स्टार्ट हो गए वैश्विक स्तर पर, सभी जितने भी देश होते थे उन सब लोगों ने 1941 में एक सम्मेलन आयोजित किया, उसे नाम देते लंदन सम्मेलन। कब हुआ अगर प्रश्न आता है परीक्षा में तो आंसर याद रखना 1941, 1941 में पहली बार पूरे विश्व के जितने भी देश थे वो सारे देश लंदन में आकर के बैठे और वहां उन्होंने इस चीज पर विचार किया कि इंटरनेशनल लेवल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या हमें एक संगठन बनाना चाहिए। अगर बनना चाहिए तो उसका नाम क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या क्या नियम होंगे वगैरह वगैरह, इस पर विचार विमर्श करने के लिए 1941 में लंदन सम्मेलन हुआ। और जब लंदन सम्मेलन हुआ, लंदन सम्मेलन में कुछ बातें निकल करके आई, इसके बाद इनके लगातार कहीं ना कहीं सम्मेलन होते रहे, कहीं ना कहीं। कभी लंदन, आपने एक नाम खूब सुना होगा याल्टा सम्मेलन, है ना, तो याल्टा सम्मेलन में भी बैठे, तो सब जगह बैठ करके ये अपना डिस्कशन करते रहते थे। अटलांटिक चार्टर खूब साइन किए गए। इन कई सारी मीटिंग्स के बाद फाइनली ये सारे दुनिया के जितने भी देश थे एक दिन ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को इस शहर में जाकर के बैठ गए। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होने से पहले जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन सभी सम्मेलनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट सम्मेलन होता है उसका नाम होता है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ कब? तब आंसर होगा जून 1945 में। 41 से मीटिंगें चल रही थी, 41, 42, 43, 44। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी देश थे वो देश जो संप्रभु होंगे, जो सोवरेन होंगे, अपना फैसला खुद ले सकते होंगे, उन सभी देशों ने अपना एक फाइनल सम्मेलन आयोजित किया और उसे क्या बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन आते आते ये सब चीजें क्लियर हो चुकी थी, सब देश मान चुके थे कि ठीक है, ओके, यूनाइटेड नेशन बनना चाहिए, सब मान चुके थे। ये भी सब लोग मान चुके थे कि ग्लोबली
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए और हमारा एक संगठन बनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या क्या नियम होंगे, इसके प्रावधान क्या होंगे, वो भी तैयार हो चुके थे, तो पूरा कागज पत्र रेडी हो गया। तो एक बड़ा सा कागज तैयार था जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे नियम लिखे हुए थे, क्या क्या रूल्स होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन होने से पहले पहले अपना खुद का एक संविधान बना चुका था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान बनाया गया, संविधान मतलब होता क्या है, नियम। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपना जो खुद का संविधान बनाया गया है उसके संविधान को क्या बोलते हैं, चार्टर बोलते हैं, चार्टर, यूएन चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान बन चुका था, पूरा रेडी हो चुका था। अब सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ और इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में एक चीज बची हुई थी कि दुनिया के जो देश है ना, अब ये लोग इस पर साइन कर लो। इन देशों के इस चार्टर पर साइन करने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये सभी लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को स्वीकार करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किस सम्मेलन में हुए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस चार्टर पर हस्ताक्षर। यूनाइटेड नेशन के इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो अमेरिका में हुआ, इसमें यूएन चार्टर प्रस्तुत किया गया और फिर कहानी भी हस्ताक्षर करने की। वो देश जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर साइन करेंगे उन्हीं को यूनाइटेड नेशन का संस्थापक देश माना जाता है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में सम्मिलित किया जाता है। अब कहानी फैक्ट की है, अब फैक्ट है जो याद करने पड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ वो जून 1945 ईस्वी के अंदर हुआ। वो देश जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर साइन करेंगे उन्हें यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश कहा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या कितनी, 51। कितने देश थे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन के चार्टर को स्वीकार किया, तो आंसर होगा संस्थापक देश कितने थे, 51। एक बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ना। 51 देश वहां पर मौजूद थे, यूएन चार्टर पर उनको साइन करना था, लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आए साइन करने वाले देशों की संख्या कितनी थी, तब आंसर होगा 50। कहां, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में कितने देश गए हुए थे, 51, लेकिन 51 देशों में साइन कितनों ने किए, 50। एक देश बच गया, एक वो देश जिसने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर साइन नहीं किया, कौन था, पोलैंड था। क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी कहानी पड़ी थी, जर्मनी ने आक्रमण कर दिया पोलैंड पर, पोलैंड जर्मनी के कब्जे में आ गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पोलैंड को स्वतंत्र होना पड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड की स्वतंत्रता के साथ ही वहां एक सरकार बननी अनिवार्य थी। और जिस दिन ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर साइन किया गया वो डेट भी याद रखनी है, 26 जून 1945, ये वो डेट थी जब यूएन चार्टर पर साइन किया गया। 26 जून 1945 को जब यूएन चार्टर पर साइन किया जा रहा था तो उसके संस्थापक देश कितने थे, 51। साइन कितनों ने किया, 50। एक जिसने साइन नहीं किया वो कौन, पोलैंड। क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां सरकार नहीं बनी थी, उनकी खुद की सरकार नहीं बनी थी। क्या पोलैंड ने यूएन के चार्टर पर साइन ही नहीं किया, ना, ऐसा नहीं है। पोलैंड ने यूएन के चार्टर पर साइन किया, कब, अक्टूबर में किया, जून में नहीं किया। अब यहां से प्रश्नों का खेल शुरू हो जाएगा, क्या पोलैंड ने साइन ही नहीं किया, किया सर, कब किया, अक्टूबर में जाकर के किया। इस दिन किया, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में नहीं, बाद में जाकर के किया। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक राष्ट्रों में वो कौन सा राष्ट्र था जिसने सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो आंसर क्या होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर प्रश्न यह आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाला देश, सबसे लास्ट में किसने साइन किया, पोलैंड, क्योंकि उसने जून में साइन नहीं किया, उसके पास सरकार बनी ही नहीं थी, तो पहले वो सरकार बनाए अपने देश में तब जाकर के साइन कर देगा। 26 जून 1945 यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर साइन हुए, कितने संस्थापक देश थे, 51। साइन करने वाले देश, 50। कौन था जो सैन फ्रांसिस्को में साइन नहीं किया, पोलैंड, बाद में जाकर के किया। एक अच्छा प्रश्न दिमाग में आएगा, इन 51 संस्थापक देशों में क्या भारत था, पहला प्रश्न ये, क्या भारत भी इन 51 देशों में सम्मिलित था, अगर था तो कैसे था, फिर कैसे भी तो एक बड़ा प्रश्न है ना, कैसे था। 1945 में तो हम आजाद भी नहीं हुए थे, 1945 में हम आजाद नहीं थे, हम तो ब्रिटेन के अंडर में आते थे, और अगर हम ब्रिटेन के अंडर में आते थे तो हमने साइन किस हैसियत से किया, मतलब ना, किया भी है हमने तो हमने देश का नाम क्या लिखा, इंडिया के, इंडिया एक देश, और वो देश है ही नहीं, वो तो 15 अगस्त 1947 को आजाद होगा, ठीक है। क्या भारत संस्थापक सदस्यों में था, तो पहले ये डाउट क्लियर कर दो, था भाई था, भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में से एक था। अब प्रश्न ये है कैसे था, हमारा देश आजाद तो हुआ नहीं है, सोचो जरा, इमेजिन करके देखो, हम आजाद ही नहीं हुए, हम अभी अंग्रेजों के अंडर में आते हैं, हम जा रखे हैं एक चार्टर पर साइन करने, उस चार्टर पर ब्लॉक बने होंगे ना, अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पे साइन करेगा,
इधर का ये, इधर का ये, एक ब्लॉक हमारे लिए भी बना हुआ। भारत अभी भारत बना ही नहीं, अभी ये पता भी नहीं कि भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र बनते हैं कि नहीं बनते, कुछ पता नहीं था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही, वुड्रो विल्सन की कहानी से ही, अमेरिका नेशनल लेवल पर पीस शांति की बातें कर रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते समय, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये डिस्कशन चल रहे थे ना, इस समय ये अमेरिका के पास सबसे बढ़िया मौका था कि वो ग्लोबली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व कायम कर सके। अमेरिका के टक्कर का देश उन दिनों कौन हुआ करता रहा होगा? ब्रिटेन, क्योंकि उसने साम्राज्य फैला रखा था। अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटेन पर यह दबाव डाला कि जब हम यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर साइन करेंगे तो इसमें ऐसे देश भी सम्मिलित होने चाहिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ऐसे देश भी सम्मिलित होने चाहिए जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहे हैं। और उन देशों में एक देश कौन भी था? भारत। इंडिया भी उन देशों में था जो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ाई कर रहा था। तो एक इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से भारत को भी सम्मिलित करना पड़ा ब्रिटेन को। जरा एक फैक्ट समझना, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश कितने थे? 51। इन 51 देशों में से चार देश ऐसे थे जो आजाद नहीं हुए थे, बावजूद उसके उन्होंने यूएन के चार्टर पर साइन किया। यूएन चार्टर पर साइन करने वाले टोटल देश कितने? 51। बाद में तो ये भी करेगा ना। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर साइन करने वाले चार ऐसे राष्ट्र थे जो उस दिन आजाद नहीं थे। पहला राष्ट्र आ गया कौन? इंडिया। दूसरा देश जो आजाद नहीं था फिर भी साइन किया, बेलारूस था। तीसरा देश जो आजाद नहीं था फिर भी साइन किया, फिलीपींस था। और चौथा देश जो आजाद नहीं था फिर भी साइन किया कौन था? यूक्रेन था। बेलारूस, फिलीपींस, यूक्रेन और भारत, ये वो चार देश थे जिन्होंने यूएन चार्टर पर साइन किया है। लेकिन यूएन चार्टर पर साइन करने के लिए जो जगह चिन्हित हुई थी सैन फ्रांसिस्को, वहां पर जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर साइन करने वाले ऐसे चार देश जो साइन करने वाले दिन स्वतंत्र नहीं थे, बेलारूस, फिलीपींस, यूक्रेन और भारत, इन्होंने इंडिपेंडेंसी से पहले ही वहां पर साइन कर दिया। भारत की तरफ से साइन करने वाला व्यक्ति ए रामास्वामी मुदालियर था, इंडिया की तरफ से, क्योंकि उस समय तो हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं था, कोई राष्ट्रपति नहीं था। तो भारत की तरफ से यूएन चार्टर पर साइन करने वाला जो व्यक्ति हुआ उसका नाम ए रामास्वामी मुदालियर था। बाद में मुदालियर आयोग बना, शिक्षा का फेमस आयोग, उसके भी अध्यक्ष रहे ए रामास्वामी मुदालियर। ठीक है, सबसे लेट किसने करी साइन करने में? पोलैंड। पोलैंड ने यूएन के चार्टर पर साइन किया अक्टूबर के महीने। और जब पोलैंड ने भी इस पर साइन कर दिया, यानी जब सभी संस्थापक देशों ने यूएन के चार्टर पर साइन कर दिया, तो इस यूएन के चार्टर को लागू करने का समय आया। और ग्लोबल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या तिथि है जब यूएन के चार्टर को लागू कर दिया गया? 24 अक्टूबर 1945। इसलिए कुछ लोग ये भी कह देंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का दिवस क्या था? 24 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर वैसे भी इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन क्या मनाते हैं? हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को वैश्विक स्तर पर लागू किया गया, यूएन चार्टर। ठीक है, यूएन चार्टर को लागू, साइन तो हो गए थे सैन फ्रांसिस्को में, पोलैंड की वजह से रुकना पड़ा। पोलैंड ने साइन किया और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके चार्टर्स को लागू कर दिया गया। सब लोगों ने साइन कर दिए, तो 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। अब यूनाइटेड नेशन ने अपने कुछ जो नियम बना रखे हैं, अपने उसके जो कुछ फैक्ट हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। फिर यूनाइटेड नेशन जो है उसका अपना खुद का एक प्रतीक चिन्ह भी है, अपना प्रतीक चिन्ह जैतून की पत्तियां, और जैतून की पत्तियों के बीच में 5 गोले हैं। ठीक है, जैतून की पत्ती और जैतून की पत्ती के बीच में ऐसे 5 गोले बना दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अपना खुद का एक झंडा है, अलग से झंडा, राष्ट्रध्वज। इसकी डेट जरा याद रखना, 20 अक्टूबर 1945। किस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना राष्ट्रध्वज अपनाया? 24 से 4 दिन पहले, 20 अक्टूबर 1945, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपना राष्ट्रध्वज अपनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रध्वज कुछ नहीं है, ये जो इनका प्रतीक चिन्ह है ना वही इनके झंडे पर बना हुआ होता है, बस कलर पूछ लेता है। इनके राष्ट्रध्वज का कलर कैसा है? नीला। नीले पृष्ठभूमि पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक चिन्ह है वही संयुक्त राष्ट्र संघ वालों का अपना खुद का झंडा, राष्ट्रध्वज है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन है जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो संगठन बनाया गया था उसका नाम क्या था?
पहले के बाद बना था जो लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ विफल हुआ, उसकी जगह एक नया संगठन आ गया, उसका नाम था संयुक्त राष्ट्र। ये विफल है कि सफल है बाद में देखेंगे, तो जरूरी थोड़ी कि ये विफल है सफल है। एक लड़ाई चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, रूस वालों ने आक्रमण कर दिया यूक्रेन पे। कौन ताकतवर है? ताकतवर कौन है? रूस। यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, ये कहाँ है पता ही नहीं है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ होने के बावजूद भी रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया क्यों गया था, क्या उद्देश्य थे इसके, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो। डालो टॉपिक, प्रश्न आते हैं कभी कभी, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य, किन उद्देश्यों के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका पहला उद्देश्य क्या था? इसका पहला उद्देश्य था वैश्विक शांति, वैश्विक स्तर पर शांति बनी रहे। आजकल तो कहीं नहीं दिखाई दे रही ना, जब रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है तो वैश्विक शांति का उल्लंघन है। इस संगठन के बनने के बावजूद भी अपना ये उद्देश्य तो मेरे हिसाब से वो पूरा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है बाद में देखना, वैश्विक शांति। और इसका उद्देश्य क्या था? सुरक्षा, वैश्विक शांति तथा सुरक्षा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का सिर्फ ये उद्देश्य, सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना करी गई? तब आंसर होगा नहीं। इसके अलावा इसका एक उद्देश्य ये भी था कि ये दुनिया भर के जितने भी देश हैं इनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करे। वैश्विक स्तर पर देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध कराने के उद्देश्य से भी इसकी स्थापना करी गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी प्रश्न आ जाते हैं ना परीक्षा में कि इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या नहीं था या क्या था, तो वैश्विक शांति तो था, सुरक्षा भी था, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना भी था, और मानव विकास, मानव समाज का विकास करना, मानव समाज का विकास, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य यह भी था कि वो मानव समाज का विकास करे। तो ये बेसिक सी कहानी थी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कहानी थी। अब दो प्रश्नों के उत्तर निकले। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया एक संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों करी गई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो विध्वंसकारी परिणाम आए उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनना ही चाहिए था, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। अब तीसरा प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ काम कैसे करता है ना, क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसकी संरचना है? तो 5 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लो, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो अब आगे देखो, अभी तक के पॉइंट क्लियर हो गए ना। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना, स्थापना मतलब किसको मानते हैं? स्थापना हम उसी दिन को मान लेते हैं जिस दिन यूएन चार्टर को लागू किया गया, तो 24 अक्टूबर वाला जो दिन है इसको हम ये मान के चलते कि यही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का दिवस, ठीक है। और ये फैक्ट आपको याद रखने, जैसे ये अभी प्रश्न आया इस पर एक वो रामास्वामी मुदालियर पटवारी वाले पेपर में है ना, तो उन्होंने पूछा कि किसने भारत की तरफ से साइन किया वगैरह वगैरह, तो इतने टॉपिक बन गए। जैसे राष्ट्रध्वज अपनाने की तिथि आ सकती पेपर में, कभी ये पूछ लेता है। उद्देश्य, उद्देश्य एक अच्छा प्रश्न है, जैसे कभी ये बना दे ना 2-3 लाइन लिख दे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, फिर आपको चूज करना हो उनमें से कोई एक, ठीक है। तो चलो अगर इतनी बात बन गई तब आगे करते हैं। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें हमें ये बात तो पता चल गई कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। जब ना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तब दुनिया में उतने देश नहीं थे जितने आज हैं, है ना। बहुत सारे देश ऐसे थे जो गुलाम थे या वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ था। एक बात आप समझो, संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं ना कहीं हर एक देश की संप्रभुता पर बहुत फोकस करता है। संप्रभुता जानते हैं? संप्रभुता का मतलब क्या होगा? संप्रभुता किस चीज, हाँ जो देश, हाँ जिस देश के आंतरिक मामले में बोलने का अधिकार किसी और के पास ना हो। जैसे हम इंडिया है ना, हम भारत में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कोई दूसरा देश हमारे इंटरनल मामले में हस्तक्षेप ना कर सके, तो उसको संप्रभु राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कहानी तब की थी जब संयुक्त राष्ट्र बना। संयुक्त राष्ट्र 1945 के बाद दुनिया में कई सारे देश आज़ाद हुए। जैसे जैसे कोई देश आज़ाद होते रहा, जैसे जैसे उसके पास संप्रभुता आती रही, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता वो लेते रहा। तो वर्तमान की स्थिति क्या है? आज संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ना कितने देश हो गए? 193। वर्तमान सदस्य कितने? 193। और संस्थापक सदस्य कितने थे? 51। 51 देशों ने इसको बनाया था, आज इसके पास 193 देश है। दुनिया के दो देशों को आपको नाम याद रखना है। एक देश है, आज घर जाके सारे बच्चे वेटिकन सिटी नाम के देश के बारे में कुछ पढ़ के आना गूगल पर, जो भी लिखा हो, और खासकर फोकस करना वेटिकन सिटी के विवादों के ऊपर,
दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एक एरिया है, छोटा सा एरिया। अलग अलग देश इस पर अपना अपना कब्जा मानते हैं, कोई कहता है हमारा है, कोई कहता है हमारा है, तो इसका जरा एक बार विवाद पढ़ना। और एक वैश्विक स्तर का देश है फिलिस्तीन, इन दोनों के बारे में जरा आप पढ़ के जाना, ठीक है। वैश्विक स्तर पर दो ऐसे देश हैं, एक का नाम है वेटिकन सिटी, एक का नाम है फिलिस्तीन। ये दो देश वो देश हैं जो अपने आप को देश मानते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इन्हें संप्रभु राष्ट्र नहीं मानता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना यह है कि आपके पास संप्रभुता नहीं है, तो क्या वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन ये दोनों भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं? तो आप कहेंगे नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश नहीं है, इन्हें संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया है, पर्यवेक्षक राष्ट्र। तो अगर प्रश्न वर्तमान का हो और पूछा गया हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक राष्ट्र कितने, 2, मतलब इन्हें अभी स्थायी सदस्यता नहीं मिली। स्थायी सदस्यता के लिए सिंपल रूल है, आपके पास संप्रभुता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन नहीं मानता कि इनके पास संप्रभुता है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की, सदस्य देशों की संख्या 193 प्लस 2 हो सकती है, प्लस 2 में ये दो राष्ट्र हैं पर्यवेक्षक राष्ट्र। और भारत कब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश है? 26 जून 1945 को जब यूएन चार्टर पर साइन कर दिया, उसी दिन से हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में ही आते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आपके पास बचा, संयुक्त राष्ट्र संघ काम कैसे करता है, इसकी संरचना है कैसी, स्ट्रक्चर कैसा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाते समय इसके चार्टर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इसके 6 अंग बनाए जाएंगे, ठीक है। इसकी 6 बॉडीज है, 6 अंग है जो काम करती है अलग अलग क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र संघ के ये 6 अंग कौन कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अंगों में से एक, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसका जो पहला अंग है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये पहला अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, क्या होता है अभी कर लेंगे आगे, लेकिन अभी अंगों को देखो, 6 अंग। इसका जो दूसरा अंग है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बाद इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट अंग है उसका नाम संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको भी आगे समझना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा जो संगठन है उसका नाम है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप कभी इकोनॉमिक्स के लेक्चर पढ़ेंगे तो वहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा जो अंग है उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा अंग है, इनके अलग अलग काम है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा अंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पांचवा अंग है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, जैसे हर हमारे राज्य में है ना सचिवालय, जहां सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सचिवालय। और संयुक्त राष्ट्र का एक और अंग है जो फिलहाल अभी ऐसा कहते हैं कि वो अभी निष्क्रिय है, अस्तित्व में नहीं है, है लेकिन अभी कुछ काम नहीं करता है, उसको बोलते हैं न्यास परिषद, ट्रस्टशिप काउंसिल, न्यास परिषद। कुल मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तबांतरों का संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इन 6 अंगों के बारे में हमें कुछ कुछ बातें जाननी है और सारी बातें जाननी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अंग है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली। ये क्या हुए, क्या चीज है? जनरल असेंबली वो जगह है जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश बैठते हैं। असेंबली मतलब क्या हुआ? महासभा। महासभा का मतलब संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश है, कितने सदस्य देश है, 193। तो 193 लोग जहां पर जाकर के बैठते हैं ना, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उस जगह को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली। ये एक प्रकार की संसद है, जैसे हमारे देश में हम जिनको चुनते हैं वो कहां पर बैठते हैं, संसद में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद कहा जाता है, विश्व की
लघु संसद, ये दुनिया की संसद है, ये जैसे हमारे खुद के देश की संसद है ऐसे ही वैश्विक स्तर पर पूरे दुनिया की संसद कौन है, तो हम कहेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसी को विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। कितने सदस्य हैं इसके, तो फिर आंसर होगा सारे, और कितने हैं मेंबर, 193। तो जो 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश, वो सारे के सारे देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य भी हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने हैं, 193, मतलब सारे, मतलब ये वो जगह है जहां पर दुनिया का हर एक देश जो संयुक्त राष्ट्र का अंग है, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, उनमें से प्रत्येक के पास सदस्यता कहां की है, महासभा की। जैसे सुरक्षा परिषद में सारे देश नहीं आते, जैसे इकोसॉक में सारे देश नहीं आते, पर यहां पर तो सारे देश आते हैं, 193 सदस्य देश। फिर इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक होता है अध्यक्ष, एक किसी व्यक्ति को इसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का जो अध्यक्ष चुना जाता है, जिसको भी अध्यक्ष चुनेंगे, उसका कार्यकाल 1 साल का होता है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो फिर आपको याद रखना है 1 वर्ष। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष है उसका नाम है साबा केरोसी, किस देश के हैं, फिर आंसर होगा हंगरी के, हंगरी के साबा केरोसी को 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, सॉरी संयुक्त राष्ट्र महासभा का, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के अध्यक्ष वर्तमान में साबा केरोसी है, किस देश से बिलोंग करते हैं, फिर आंसर होगा हंगरी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा केरोसी का ही लास्ट ईयर का स्टेटमेंट था कि संयुक्त राष्ट्र पंगू संस्था हो चुकी है, पंगू मतलब किसी काम की नहीं, जब यूक्रेन और यूएसएसआर का लड़ाई हुआ, रसिया और यूक्रेन के वॉर के समय साबा केरोसी ने ये स्टेटमेंट दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व में होने के बाद भी रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है, तो फिर उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक प्रकार की पंगू संस्था हो गई है, हर कभी ना कभी एक एक अध्यक्ष आता है, एक एक साल में एक एक अध्यक्ष बना दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है, साबा केरोसी। 1953 हम इंडिया वालों के लिए इंपॉर्टेंट ईयर होता है, क्योंकि 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष भारत से चुनी गई, नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। तो अगर प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय कौन था, तो पहला भारतीय कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित। इंडिया से वो पहला कौन है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना, कौन था, विजय लक्ष्मी पंडित। और विजय लक्ष्मी पंडित को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष घोषित किया गया, 1953। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम एक रिकॉर्ड और भी है कि विजय लक्ष्मी पंडित विश्व की पहली महिला है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी, विश्व की पहली महिला। 1953 से पहले किसी भी महिला को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। तो अगर प्रश्न ये आता है प्रथम भारतीय कौन है, तो भी आंसर विजय लक्ष्मी पंडित। और अगर प्रश्न आता है विश्व की प्रथम महिला जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अध्यक्ष घोषित किया गया, उसका नाम क्या है, विजय लक्ष्मी पंडित। और बाकी टाइम पे भारत की तरफ से तो 193 मेंबर है, तो भारत भी वहां पर जाते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विजय लक्ष्मी पंडित के अलावा अगर भारत की किसी महिला ने खूब नाम कमाया है, तो वो नाम है हंसा मेहता, ये नाम भी आपको याद रखना है। एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली भारत की एक अग्रणी महिलाओं में एक नाम है हंसा मेहता। हंसा मेहता को क्यों याद रखोगे, देखो यूनाइटेड नेशन जो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये पूरी दुनिया के देशों का संगठन है, भारत भी इसमें स्टार्टिंग दिन से इसका मेंबर बना हुआ है। तो भारत की तरफ से जब भी संयुक्त राष्ट्र में हम लोगों के सदस्य वहां पर एंटर करते हैं, जाते हैं वहां पर, तो हमारे देश की एक महिला थी, उनका नाम था हंसा मेहता। और पूरी दुनिया में वो कौन सा देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में या संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर जोर दिया, ह्यूमन राइट्स पर। अब ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं ये भी आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, मानवों के अधिकार। तो भारत वो पहला देश था वैश्विक स्तर पर जिसने यूनाइटेड नेशन में इस बात पर जोर दिया कि हमें वर्ल्ड वाइड पूरे वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशन में वो पहला आदमी कौन है जिसने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर सबसे पहले जोर दिया था, तो उसका नाम है हंसा मेहता, और ये भी इंडिया से बिलोंग करती है। एक पॉइंट लिखना, हंसा मेहता कौन है, तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर जोर देने वाली प्रथम पूरे इंडिया पूरे विश्व में पहला व्यक्ति अगर कोई था तो उसका नाम था हंसा मेहता। ठीक है, हंसा मेहता।
ठीक है, हंसा मेहता, ठीक है, हंसा मेहता। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर जोर देने वाला पहला पहला व्यक्ति विश्व का, हंसा मेहता, इंडिया से, ठीक है, हंसा मेहता। अब सुनो मेरी बात को, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6। इनके पहले अंगों में पहले अंग का नाम क्या है? तब आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। महासभा के सदस्य 193 है, अध्यक्ष 1 साल के लिए चुना जाता है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर आपका पेपर बाद में, मान लो 2024 में है, तो तब तक यही नोट्स मत पढ़ना, तब तक ये चेंज हो जाएगा साबा केरोसी। तो अभी तो साबा केरोसी है हंगरी से, तो बदल जाएंगे तब तक ना, 2023 में नया आ जाएगा। और भारत की पहली महिला या पुरुष में भी पहला भारत का कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित। और दुनिया की पहली है जो जनरल असेंबली में अध्यक्ष बनी, ठीक है। अब ये जो महासभा है हमारी, जनरल असेंबली है, या फिर आपका सुरक्षा परिषद है या आर्थिक सामाजिक परिषद, इसके टोटल सदस्य देश 193 है। जैसे तो हर देश अपने किसी न किसी आदमी को, संयुक्त राष्ट्र की जब मीटिंग होती है, जैसे महासभा का जब सम्मेलन होगा, तो महासभा के सम्मेलन में भारत अपनी तरफ से किसी आदमी को भेजेगा। तो जैसे मान लो सुरक्षा परिषद की मीटिंग है, तो वहां भारत किसको भेजेगा? इकोसॉक की मीटिंग है, वहां भारत किसको भेजेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमने जज भेजे हुए, कौन है जज, वगैरह वगैरह। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसे भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी तरफ से भेजा हुआ है, हमारा एक प्रतिनिधि, हमारे देश से एक आदमी को वहां पर भेज दिया जाता है, और उस आदमी का काम संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना ही है। छोटी मोटी जब भी मीटिंग होगी, तो वो व्यक्ति जो हम परमानेंटली वहां पर भेज देते, उस व्यक्ति को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि। तो भारत का वर्तमान में 2022 में भारत ने जिसे संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि बना करके वहां पर भेजा है, उसका नाम रुचिका काम्बोज है। रुचिका काम्बोज, अगर प्रश्न आए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है वर्तमान में, तब आंसर होगा रुचिका काम्बोज। वर्तमान में रुचिका काम्बोज जो है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से रुचिका काम्बोज। और जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित, विश्व की पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर जोर देने वाली पहली महिला हंसा मेहता, और वर्तमान में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिका काम्बोज। बदल जाएगा तो फिर आप उस पर ध्यान रखना, ठीक है, रुचिका काम्बोज। अब ये महासभा करती क्या है, इसके काम क्या है? कुछ ना कुछ काम होंगे ना, तभी तो महासभा बनाई गई। संसद है ये, पूरे विश्व की संसद। महासभा का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये है, नए देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ में एंट्री दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसका निर्णय कौन करता है? महासभा करती है। और महासभा मतलब ये 193 मेंबर ये डिसाइड करते हैं कि इस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो नए देशों का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश, ये किसकी पावर होती है? जनरल असेंबली की पावर, ये इसकी पहली ताकत है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण कार्यों में जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आईसीजी है, इस आईसीजी के जो जज होंगे, इस आईसीजी के जज का चुनाव करना भी किसका काम होता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का। लेकिन अब एक पॉइंट सुनो, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहां पर 15 जज होते हैं, तो कौन कौन से जज हैं जिनको वहां पर जज बनाया जाएगा, इसका निर्णय भी कौन लेता है? महासभा लेती है। लेकिन महासभा उसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनाएगी जिसका नाम सुरक्षा परिषद के द्वारा भेजा जाता है। तो इस वाले मामले में कौन ज्यादा पावरफुल है, महासभा या सुरक्षा परिषद? इसलिए सुरक्षा परिषद बड़ा खतरनाक है, हर किसी को नहीं ऐसे जज बना सकते। ये 193 जो मेंबर हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज उसी को बनाएंगे जिसका नाम कौन समर्थित करेगा? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद एक इंपॉर्टेंट अंग आ गया। ऐसे देखो, जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय होता है ना, सचिवालय, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का जो हेड होता है उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, और वो विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है दुनिया में। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है संयुक्त राष्ट्र का, इससे बड़ा पृथ्वी पर कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा पोस्ट है ये। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव भी जनरल असेंबली, महासभा ही करती है। लेकिन महासभा किसे महासचिव के रूप में चुनेगी, जिसका नाम कौन समर्थित करेगा? तो साफ दिख रहा है पावर किसके पास है ना, यहां पर स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि पावर महासभा से ज्यादा जो है वो सुरक्षा परिषद के पास है। सुरक्षा परिषद थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल चीज दिखाई दे रही है ना। नए देशों का एंट्री, महासभा का कार्य,
अन्य दो मामलों में आईसीजी का जज कौन बनेगा, तो आईसीजी का जज बनने में भी उसको सुरक्षा परिषद के द्वारा जो नाम दिया जाएगा उसी को समर्थित या उसी का वो चुनाव करेगा। ठीक है, अब चलो दूसरी संस्था पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो दूसरी संस्था है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद। बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे, इनको जरा ध्यान से समझना। जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है ना, इसके जो सदस्य होते हैं, सब नहीं होते हैं, जैसे महासभा में तो सब सदस्य होते हैं, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जो सदस्य होते हैं वो सब नहीं होते। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य दो प्रकार के होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पहले प्रकार के सदस्यों को बोलते हैं स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर, मतलब ये हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये ना हमेशा रहेंगे सदस्य, जब तक यूएनएससी रहेगा ये इसके मेंबर रहेंगे, इनको बोलते हैं स्थायी सदस्य। और एक होते हैं इसके अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य जिनको कुछ समय के लिए चुना जाता है, जैसे अभी आपको यूएनएससी का मेंबर बना दिया और फिर आपको हटा दिया, फिर दूसरे को बनाया, फिर दूसरे को बनाया, तो दो प्रकार के सदस्य होते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यानी संयुक्त राष्ट्र के मूल चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5। और संयुक्त राष्ट्र के मूल चार्टर में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6। तो यूनाइटेड नेशन के मूल चार्टर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 11। ये जब बना था 1945 में, फिर जैसे जैसे इसमें देश जुड़ने लगे तो देशों की संख्या बढ़ती गई, देशों की संख्या बढ़ती गई तो फिर हर देश ने यह मुद्दा उठाया कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की संख्या भी आप बढ़ा दो। तो 1965 में 1965 ईस्वी के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक पहला चेंज किया गया, आज तक एक ही बार चेंज हुआ है। 1965 में क्या नियम बनाया, जो परमानेंट मेंबर है वो भी अभी भी कितने हैं? 5। उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो अस्थायी सदस्य है उनकी संख्या 6 से बढ़ाकर के कर दी गई है 10, तो वर्तमान में उनकी संख्या कितनी हो गई? 15। अगर आज का प्रश्न आता है 2023 में आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो 2023 में प्रश्न अगर ये आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितना लिखोगे? लेकिन अगर प्रश्न आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या? 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य? 10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों में परिवर्तन कब किया गया था? ये कई बार हुआ है, 1965। ये 5 लोग ना, सबसे इंपॉर्टेंट 5 लोग हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये 5 स्थायी सदस्य, क्योंकि वो हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर रहेंगे। ए बी सी आर और एफ, इसको सीधा याद करना तुमको, ए बी सी आर एफ। ए मतलब कौन? अमेरिका। बी मतलब कौन? ब्रिटेन। कई बार क्या होगा आपके पास ऑप्शन में ब्रिटेन की जगह यूके लिखा होगा, सही आंसर क्या होगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। मैंने सरल बनाने के लिए इसको बी लिख दिया है, ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम सही आंसर है। अगर आपको चूज करना हो कौन कौन से संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य है, तो यूनाइटेड किंगडम से आप समझ जाएंगे ना ब्रिटेन, तो अमेरिका, ब्रिटेन यानी यूके, सी मतलब चाइना, आर मतलब रसिया, एफ मतलब फ्रांस। ए बी सी आर एफ, ये 5 वो राष्ट्र है जो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य है। और संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, क्यों अभी समझना आ गया। फिलहाल आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास ज्यादा पावर है कि सुरक्षा परिषद के पास? सुरक्षा परिषद बनाई क्यों है? वैश्विक स्तर पर शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से। इसका मेन टारगेट क्या है? ग्लोबली पीस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह शांति बनाने का कोशिश करेगा। और सुरक्षा, सिक्योरिटी। अच्छा ये बताओ, हमारे राज्य में अभी हम देहरादून में है, देहरादून में शांति व्यवस्था स्थापित करना किसका काम है? कौन है, सरकार ने किसको रखा है देहरादून में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए? पुलिस। पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना। ग्लोबल स्तर पर यह काम कौन कर रहा है? सुरक्षा परिषद कर रहा है, इसलिए इसको विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। इस संस्था को विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। जैसे महासभा को बोलते हैं विश्व की संसद, ऐसे विश्व की पुलिस कौन है? विश्व की पुलिस है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। 5 मेंबर, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रसिया और फ्रांस, बहुत ताकतवर है, इनके पास पूरी ताकत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए। आईसीजी के जज की बात हो या फिर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की बात हो, ताकत तो इन्हीं के पास है। अब क्यों है ताकत, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? अगर हमें कभी कोई निर्णय लेना हो, जैसे देखो भारत की पहले कहानी सुनो, जैसे मान लो भारत में कौन सा नियम चल रहा है, जैसे मान लो भारत की संसद है, तो भारत की संसद में हम उदाहरण के लिए ये मान के चलते हैं कि मान लो 100 मेंबर हैं
और किसी साधारण बिल को पारित कर रहा हो, कोई कानून बनाना हो, अगर बिल साधारण है तो भारत में किसी बिल को पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? साधारणतया 1/2। 1/2 का मतलब होता है 50% से एक ज्यादा। कोई स्पेशल मामला हो, विशेष बहुमत हो, जैसे धन विधेयक वगैरह हो, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है 2/3। तो साधारणतया यही होता है, जैसे इस क्लास में 100 लोग बैठे हुए हैं, आज छुट्टी होगी कि नहीं, कल छुट्टी है कि नहीं, ये हमारा मुद्दा है। तो अब मैंने 100 लोगों को कहना चलो भाई छुट्टी होगी, खड़े हाथ खड़े करो, मान लो 51 लोगों ने हाथ उठा दिए, तो इसका मतलब छुट्टी होगी, है ना। आधे से एक ज्यादा ने कह दिया, 51 ने कह दिया, ओके, तो बन गया कानून। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय यहां का बहुमत है क्या, इसके बहुमत को ध्यान से समझना। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है वो किसी भी फैसले को लेते समय बहुमत कैसे डिसाइड करती है, बताओ। टोटल मेंबर कितने हैं? 15। नियम क्या बोलता है कि आधे से ज्यादा लोग अगर हां बोल दें तो कहानी हो जाएगी। तो 15 का आधा कितना होता है? 7.5। इसका मतलब अगर 8 लोग हां कह दें तो सुरक्षा परिषद में 8 देश अगर यस कर दें तो वो कानून बन जाना चाहिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहां बहुमत के लिए 15 में से 9 देशों को हां करना अनिवार्य है। 9 कितना है इनका बहुमत? 9। तो अगर आप गणित जानते होंगे, मैं तो थोड़ा कम जानता हूं पर इतना मुझे पता है, 3 × 9 और 3 × 5 = 15, 3/5। पर जो डिजिट आपको याद रखनी है वो ये कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बहुमत के लिए कितनी वोट अनिवार्य है? 9। क्या 15 में से 9 लोग अगर एक तरफ हो जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या उस डिसीजन को फाइनल कर देगी? तो आंसर है ना। इस 9 में भी एक खेल है। ये 9-9 तभी माना जाएगा जब इस 9 में 5 स्थायी सदस्यों की हां हो और अस्थायी सदस्यों में कितने का हां करना अनिवार्य? अब ध्यान से सुनना, देखो, स्थायी सदस्यों में कितने हैं स्थायी सदस्य? 5 के 5 का हां करना अनिवार्य है। अगर किसी भी एक स्थायी सदस्य ने ना बोल दिया, जैसे देखो टोटल कितने हैं? 15। और मान लो अभी अभी सबसे चर्चित जो मुद्दा चल रहा है ना, अभी भारत तो इतना बड़ा राष्ट्र बन चुका है, इतनी बड़ी शक्ति बन चुका है ग्लोबल स्तर पर, तो भारत की जो सरकार है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना एक विचार रखा है। भारत कह रहा है कि हमें आप स्थायी सदस्य बना दो। भारत को अभी, भारत जो है ना संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। कितने हैं वहां? 5। तो भारत कह रहा है हमें भी बना दो, 6 कर दो यहां पर। तो जब इस पर मीटिंग हुई सुरक्षा परिषद में, मामला गया कि क्या सुरक्षा परिषद का सदस्य भारत को बना देना चाहिए, तो कितने देश थे? 15। तो इन 15 देशों में सबने कहा यस वाला, सब ने बोला हाँ हाँ हाँ, 14 आदमी ने बोला हाँ, 1 ने बोला ना, तुमको पता ही होगा कौन है वो, इन्हें ना बोल दिया। अब इस 14 ने हाँ बोला, फिर भी भारत संयुक्त राष्ट्र के स्थायी परिषद का सदस्य नहीं बना, क्योंकि 1 ने ना बोला। जिस 1 ने ना बोला वहां दिक्कत क्या आ गई? स्थायी सदस्य। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास एक बड़ी पावर है, एक खतरनाक पावर है। क्या की पावर? ना बोलने की पावर, क्योंकि उनकी ना हो गई तो बस खत्म बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के, स्थायी सदस्यों की इस ना बोलने की पावर को ही नाम दिया जाता है वीटो पावर। तो अगर प्रश्न आए कभी कि संयुक्त राष्ट्र में कितने राष्ट्र हैं जिनके पास वीटो पावर है? 5। इन 5 की हां के बिना काम नहीं चलेगा। तो हां को तो छोड़ो, ना बोलने की ताकत है इन पे, बाकी को कितना ही ना कह दे, 10 में से 4 ने हां कह दी, पर इन 5 का हां करना अनिवार्य है। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का भारत अस्थायी सदस्य 10 बार बन गया, लेकिन स्थायी सदस्य हम आज तक नहीं बन पाए। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा अंग है उसका नाम क्या होता है? हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या जब परीक्षा में प्रश्न आएगी तो सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या, ठीक। अब आओ तीसरे पे। अगला जो इनका संगठन है इसका नाम है इकोसॉक। इकोसॉक का मतलब क्या है? इकोसॉक, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। इस संगठन का काम वैश्विक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक जो मामले होते हैं पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया के जो आर्थिक मामले हैं, दुनिया के सामाजिक मामले, सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यू है या एनवायरमेंटल इश्यू है, इन सभी इश्यू के ऊपर चर्चा करने का काम कौन करता है? इकोसॉक। दुनिया भर में
पर्यावरण के किसी मामले पर कोई नियम बनाना हो तो उसके लिए इकोसॉक जिम्मेदार है। इकोनॉमी के अंतर्गत, समाज सोशल इसके अंतर्गत, इन सब के बारे में डिसीजन लेने का पावर किसके पास होता है? इकोसॉक के पास होता है। क्या दुनिया के सारे देश इकोसॉक के मेंबर हैं? तो फिर कहानी वही है। नहीं, इकोसॉक के जो वर्तमान सदस्य देश हैं वो 54 हैं। मूल चार्टर में थे 18। जब संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था तो तब इसमें 18 मूल चार्टर में, यूएन के मूल चार्टर में यूनाइटेड नेशन इकोसॉक के सदस्यों की संख्या होती थी 18। अब कितने होते? 54। वर्तमान में इकोसॉक के सदस्य देशों की संख्या होती है 54। अब एक नियम पे आओ, देखो इकोसॉक में बहुत बढ़िया नियम है ना, इसमें टोटल मेंबर कितने? 54। इसमें एक नियम है भाई, नियम सिंपल है, प्रति वर्ष हर साल 54 में से 18 लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। 18 दुनिया कितना होता? 36, और 18 थी 54, इसका मतलब 18 जो है वो 54 का कितना भाग है? 1/3। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 54, और 54 में से हर साल 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए मानता हूं मैं हूं इकोसॉक का मेंबर, मैं भारत, ठीक है, और तुम हो इकोसॉक की संस्था, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने से मतलब। मैं यहां आया, इस साल आया मैं, 2023 में मैंने एंट्री करी, ठीक है। जब मैं 2023 में इकोसॉक का मेंबर बना उस समय यहां सदस्यों की संख्या कितनी थी? 54, उनमें एक मैं भी हूं, मैं आ गया, ठीक है। अब एक साल बाद क्या होगा? 18 लोग रिटायर हो जाएंगे, मैं होऊंगा रिटायर ना, मैं तो अभी आया 23 में, तो 18 लोग चले गए, तो 54 में से 18 गए, कितने बचे यहां? मैं हूं ना इन 36 में, मैं भी तो इन 36 में। फिर अगले साल इनमें से 18 लोग और चले जाएंगे, मैं अभी भी नहीं जाऊंगा, तो कितने बचे? 18। 3 साल के बाद जब ये 18 जाएंगे तो इनमें मेरे को भी जाना पड़ेगा ना, तो मैं इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने साल रहा? 23 में आया था, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, कितने साल? 3 साल। 3 साल बाद तो मैं भी चल जाऊंगा। जब हर साल 1/3 जा रहे हैं तो पहले 1/3 गए, फिर दूसरे 1/3 गए, फिर तीसरे 1/3 गए, तो मुझे कब जाना पड़ेगा? 3 साल के बाद। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष होता है। प्रतिवर्ष हर साल वहां से 1/3 सदस्य जो है उनको रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं, और इकोसॉक के अंतर्गत टोटल मेंबर कितने होते हैं? हाँ, और पुराना वाला तो नहीं भूले, जरा एक प्रश्न बताओ तो, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? कौन? रुचिका कांबोज। और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा? हंसा मनराल, हंसा मनराल थोड़े ही है, हंसा मेहता, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक डालो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय 54। हाँ, भारत इसमें मेंबर बनते रहेंगे ना, 18 जाते रहेंगे, टोटल कितने देश है? 193। 193 देशों में 54 देशों को मौका मिलेगा, तो 54 में 18 गए, 18 और आ गए, 18 गए। ये आदमियों की बात थोड़ी है, ये तो देशों की बात करें, 54 देश पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चलो अब आओ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जब कोई मामला किसी देश में, अगर किसी देश में कोई मामला का निपटारा नहीं हो रहा है तो एट लास्ट वो मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। देखो क्या होगा, हमारे देश में अगर मान लो उत्तराखंड में कोई मामला है, लड़ाई झगड़ा, क्राइम, खून वून हो गया, तो हमारे पास उत्तराखंड में कोर्ट है ना, सेशन कोर्ट है। आप जहां का मामला है, देहरादून में क्राइम हुआ, देहरादून की कोर्ट में जाएगा। आप खुश नहीं हो तो आप चैलेंज करो उस फैसले को, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से खुश नहीं हो सुप्रीम कोर्ट जाओ, और लास्ट टेरिटरी लास्ट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ना कर दिया तो कहानी खत्म। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दिक्कत तब है ना जब लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत का एक आदमी था, आपने मूवी भी देख ली होगी उसके ऊपर, रणदीप सिंह हुड्डा ने मूवी बनाई है, आदमी का नाम कुलभूषण जाधव था, अब मुझे नहीं पता कि उस पिक्चर का नाम क्या है, ऐश्वर्या राय भी है उसमें, सरबजीत मूवी का नाम रखा गया ना, सरबजीत। तो इंडिया का एक आदमी था कुलभूषण जाधव, अब वो कुलभूषण जाधव ना गलती से उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, पंजाब का रहने वाला था, रात को ऐसे खेत पार करके गया उधर, और पाकिस्तान पहुंच गया बेचारा, पाकिस्तान वालों ने उसे पकड़ा और पकड़ के जेल में डाल दिया, बोला जासूस है। नहीं था जासूस, एक साधारण सा व्यक्ति था, उसको पाकिस्तान वालों ने जासूस करार कर दिया, कई सालों तक उसको जेल में रखा। फिर उसके घर वालों ने, वो उस पिक्चर में दिखाया ये गया है कि सरबजीत यानी कि कुलभूषण जाधव की फैमिली वालों ने कितना स्ट्रगल किया, जैसे तैसे करके वो भारत वालों पे सेंटर तक पहुंचे, उन्होंने भारत सरकार से बात करी कि हमारे यहाँ का आदमी है वहाँ जीवित है, उसको पकड़ लिया है, उस पर ये आरोप चल रहा है।
अब भारत का कहना यह था कि हमारा वो जो आदमी है ना वो हमारा जासूस नहीं है, इंडिया ने कह दिया, पाकिस्तान कह रहा है कि इनका जासूस है। अब कहां की कोर्ट में लड़ोगे बताओ, ये केस किस कोर्ट में जाएगा? इंडिया की कोर्ट में जाएगा तो इंडिया के पक्ष में फैसला, पाकिस्तान तो पाकिस्तान के। तो ऐसी कंडीशन में कौन मामला निपटाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जब दो देशों के आपस में विवाद हो जाए तब ऐसे मामलों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा दिया जाता है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी संस्थाएं हैं ना उनका भी मुख्यालय है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की वो एकमात्र संस्था या अंग जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय द हेग में है नीदरलैंड में। नीदरलैंड का एक नाम हॉलैंड भी है, अगर हॉलैंड भी लिखा हो तो नीदरलैंड का ही नाम है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का जो मुख्यालय है वो द हेग नाम की जगह पर है, ठीक है, द हेग नाम के स्थान पर इसका मुख्यालय। चलो अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कुछ बातें याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फैसला सुनाने के लिए एक जज नहीं बैठा होता है। अगर एक जज होगा तो एक जब मामले बड़े हो तो एक जज के पास भेजते भी नहीं है ना, एक जज का विवेक क्या कहता है? जैसे मतलब भारतवर्ष के अंदर जब तो छोटे मोटे मामले, लड़ाई झगड़ा चोरी वगैरह के मामले, तो सिंगल जज की बेंच बैठ जाती है। लेकिन आपको पता है जब भारतवर्ष में मामला संविधान का होता है, जब संविधान की व्याख्या का प्रश्न होता है ना, तो उसको एक जज नहीं सुनता है, उसमें संवैधानिक पीठ बैठाई जाती है। और संवैधानिक पीठ में कम से कम जज कितने होते हैं? पांच। पांच से कहानी शुरू होगी। पांच जज की पीठ बैठी, उन्होंने एक फैसला सुनाया। अब अगर आप चाहते हैं कि इस फैसले को आप चैलेंज करना चाहें तो अब आप फिर से जब कोर्ट में जाएंगे तो पांच जज नहीं बैठेंगे, अब पांच तो पहले बैठ चुके हैं, अब बैठेंगे सात। तो सात जजों की बेंच ने जो फैसला दिया तो वो पांच जज वाले फैसले को चैलेंज कर सकते। अब आपको अभी भी खुशी नहीं हुई तो आप फिर जाओगे उसी मामले को लेकर के, तो आप कितने जज बैठेंगे? नौ। नौ से भी काम नहीं चला तो ग्यारह, ग्यारह से भी काम नहीं चला तो तेरह। केशवानंद भारती के मामले में कितने जज? आज तक के भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कौन सी है? केशवानंद भारती का मामला, तेरह जज बैठ चुके। अगर केशवानंद भारती का जो मामला है ना, मूल ढांचा वाला सिद्धांत, अगर उसको चैलेंज करना है तो इससे बड़ी पीठ बैठानी पड़ेगी। तो कितने जज? अगर आज भी भारत के पंद्रह जज केशवानंद भारती वाले मामले के मूल ढांचे के सिद्धांत का विरोध कर लें तो फैसला उलट जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं तो वहां जजों की संख्या कितनी होती है? पंद्रह होती है। जजिस की जो संख्या है पंद्रह, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज की संख्या पंद्रह होती है, ठीक है। यहां पर भी वही नियम है, देखो सेम नियम। ये जो पंद्रह जज है, इन पंद्रह जजों में जो प्रत्येक पांच जज है वो तीन साल में रिटायर हो जाते हैं। तीन तीन साल में पांच पांच जज रिटायर होते रहते हैं। तो पांच जज का मतलब क्या हुआ? एक तिहाई ना, पांच तिहाई पंद्रह, तो एक तिहाई जज हर तीन साल में रिटायर होते हैं। तो एक जज को कितने साल रहने का मौका मिला गया? अभी आप गए तो तीन साल में पहला रिटायर हुआ, तब आप वहीं रहोगे, फिर एक तिहाई अगले पांच साल में, एक तिहाई अगले पांच साल में, तो तीन और तीन और तीन, तीन बार तीन तीन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? नौ साल। तो जज जो होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल कितना होता है? नौ साल का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज का कार्यकाल, इकोसॉक के सदस्य का कार्यकाल तीन साल, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल नौ साल का होता है, ठीक है, नौ साल इनका कार्यकाल होता है। तो जज होते हैं वहां पंद्रह। अब मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चुनाव कौन करता है? दो ऑप्शन है आपके पास, महासभा या सिक्योरिटी काउंसिल। महासभा, लेकिन किसको जज के रूप में चुना जाएगा? जिसको सिक्योरिटी काउंसिल अनुमोदित कर दे, ठीक है। अब ये जो जज यहां पर बैठे होते हैं, इन जजों में क्या आज तक इंडिया की तरफ से भी कोई जज वहां गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या भारत की तरफ से भी कोई जज गया हुआ है? देखो टोटल जज कितने होते हैं, और जैसे भारत में होता है ना किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं 33-34 ऐसे जज होते हैं, उनमें से एक होता है हेड, उसको क्या बोलते हैं? उसको अध्यक्ष बोलते हैं ना, हेड होता है। ऐसे ही ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें टोटल जज तो 15 होते हैं, इन 15 जजों में एक इनका अध्यक्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के जजों का भी एक अध्यक्ष होता है। तो हमारे देश से भारत की तरफ से सबसे पहले जो आदमी, ध्यान से पढ़ना ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज, अगर ऐसा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनने वाला पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था बेनेगल राव। पहला व्यक्ति जो जज बना उसका नाम था बी.एन. राव, सबसे पहला व्यक्ति 1952 में, 1952 में इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनाया गया। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, बी.एन. राव। अब सुनो, पहला व्यक्ति बी.एन. राव के बाद भारत की तरफ से जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बना, वो ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बना
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के जजों का अध्यक्ष भी बन गया। इसका नाम था नागेंद्र सिंह। पहले इन दोनों को ही बढ़िया से देख लो जरा, ये दोनों प्रश्न खूब परेशान करेंगे। नागेंद्र सिंह, देखो ध्यान से पढ़ना प्रश्न। अगर आपको परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बीएन राव थे। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जजों अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये सिर्फ जज नहीं था, ये जजों का अध्यक्ष भी बना। कर लोगे ना क्वेश्चन? अगर प्रश्न आया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय जज, तो अध्यक्ष में प्रथम कौन है? नागेंद्र सिंह। और एज ए जज वहां सबसे पहले कौन गए? बी एन राव। एज ए जज सबसे पहले पहुंचे, फिर गए नागेंद्र सिंह। इसके अलावा रघुनंदन पाठक, और वर्तमान में कौन है आईसीजी में इंडिया का जज? दलबीर सिंह। वर्तमान में अध्यक्ष का नाम क्या था देखो तो? सोबो केरोसी। किस देश का है? हंगरी का। ठीक है, फिर महासभा की बात आई, सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे इंपॉर्टेंट तो सिक्योरिटी काउंसिल ही है। ठीक है, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल के बाद इकोसॉक। देखो एक बात याद रखो, जो इकोसॉक है ना, इकोसॉक उसी के अंग है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, जो ये जितने भी अंग होते हैं, जितने भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सब के सब किसके अंतर्गत काम करती है? इकोसॉक के अंतर्गत काम करती है। फिर आपने करा आईसीजे, और अब आपके पास इसका अगला अंग कौन सा है? सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय होता है उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है, क्या नाम बोला उसको? उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव। ये दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट है, इससे ऊपर आज तक पोस्ट नहीं है पूरे विश्व में। और संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है उसका नाम है एंटोनियो गुटेरिया। किस देश का है ये भाई? तो ये पुर्तगाल का है। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरिया को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव। वर्तमान में पुर्तगाल के पास इसके महासचिव का दायित्व दिया गया है। चलो चलो, अब लास्ट एक संस्था बच जाती है जो लगभग इस समय काम कर नहीं रही है, उसको बोलते हैं न्यास परिषद, ट्रस्टशिप काउंसिल, न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र ने अपना ये एक अंग भी बनाया था, वर्तमान में निष्क्रिय है, मतलब काम नहीं कर रहा। अब देखो न्यास परिषद होता क्या है। भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन इस देश को चलाने के लिए क्या हमें किसी की आवश्यकता पड़ी? तो आंसर होगा ना, हमें किसी की आवश्यकता नहीं थी, हमने अपना देश अपने हाथों में ले लिया। लेकिन दुनिया का हर देश ऐसा नहीं होता है ना, कोई देश जब स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के बाद उसे अपने देश की सारी गतिविधियां संचालित करनी है। तो न्यास परिषद की स्थापना इसीलिए करी गई थी कि अगर मान लो ए नाम का कोई देश है और ये स्वतंत्र हुआ, और जैसे ही ये स्वतंत्र हुआ और ये ए नाम का देश ये कहता है कि मैं अभी अपने देश का शासन प्रशासन नहीं चला सकता हूं, तो ऐसी कंडीशन में जो नए स्वतंत्र देश होते थे, जब तक वो अपने प्रशासन को संभालने लायक नहीं हो जाते थे तब तक उनका प्रशासन कौन संभालता था? न्यास परिषद। लेकिन 1994 के बाद ऐसा कोई मामला ही नहीं आया। 1994 में लास्ट मामला आया था, पलामू एक देश था, वो आजाद हुए, उन्होंने कहा अभी हमारे पास का देश चलाना नहीं है, तो न्यास परिषद ने कुछ समय तक देश चलाया, फिर वो पलामू वालों ने खुद का देश चला लिया, तो उसके बाद न्यास परिषद खाली बैठा हुआ है। अभी वर्तमान में कोई ऐसा देश है क्या जो अपनी शासन व्यवस्था को चलाने में असमर्थ है? नहीं है, तो फिलहाल काम भी नहीं कर रहा है न्यास परिषद। पर कार्य क्या होता है, तो एक पॉइंट लिखना, न्यास परिषद क्या कार्य करता है? न्यास परिषद के द्वारा नए स्वतंत्र देश यदि शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं, तो उनकी शासन व्यवस्था चलाई जाती है। कब तक? जब तक वो खुद अपनी शासन व्यवस्था चलाने लायक ना हो जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। इन 6 अंगों के कुछ प्रमुख प्रश्न, एक प्रश्न के साथ, 2-3 प्रश्नों के साथ कहानी खत्म करो। बस मुझे एक बार फिर से बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिका काम्बोज है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला
विजयलक्ष्मी पंडित, कौन से साल में बनी? 1953। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के वर्तमान जज कौन है? दलवीर भंडारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दलवीर भंडारी वर्तमान। और संयुक्त राष्ट्र संघ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, भारत की तरफ से सबसे पहला जज जो अध्यक्ष बना? नागेंद्र सिंह। और पहला जज कौन था? बी एन। तो इतने पॉइंट आप याद करो, बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। चलो।